एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ, आर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो 5 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, आज हम लोग 6th चैप्टर जुडिशरी डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप सीरीज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, क्या ये आप साथ साथ चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड प्लीज लीव अ कॉमेंट बिलो इफ यू रियली लाइक द लेक्चर्स। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ये पता लगता रहता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, ऑन ट्रैक हैं। तो शुरू करते हैं, आज हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे। देखिए, ऑलरेडी हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से पहले पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। एंड ऑफकोर्स मेन्स के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा फोडर पॉइंट यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब होता है, इंडिया में जुडिशरी का क्या रोल है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के डायमेंशन में, क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करती है और अगर करती है तो कैसे, और फाइनली जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में किस तरीके का रिश्ता देखा जाता है। तो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला सवाल आंसर करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। उससे पहले लेट अस आस्क आवर सेल्फ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती क्या है। देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिंपल मतलब है एक ऐसी जुडिशरी जो ना तो लेजिस्लेचर ना ही एग्जीक्यूटिव पर डिपेंडेंट हो, उसका एग्जिस्टेंस इन दोनों से अलग हो और इन दोनों पर निर्भर ना करता हो। नाउ यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्यों जरूरी है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना। सिंपली बिकॉज जुडिशरी के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अगर वो किसी पर डिपेंडेंट होगी तो वो फियर से काम करेगी, फेवर से काम करेगी, विच इज़ द लीस्ट थिंग वी वॉन्ट। ये हम नहीं चाहते हैं। देखिए, हम एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में डेफिनेटली डिस्प्यूट्स आएंगी आएंगी, इवन अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटी सी क्लास में भी डिस्प्यूट्स आ जाती हैं। तो ये तो एक देश है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, गवर्नमेंट, इन सब के बीच में डिस्ट्रप्शंस और डिस्प्यूट आने ही आने हैं। इसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाए। अब आप पूछेंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखिए, रूल ऑफ लॉ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ये मानता है कि आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, आप अपर क्लास हैं, द सो कॉल्ड लोअर क्लास हैं, मेन हैं, विमेन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सब एक ही लॉ के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। तो इस देश को कोई इंसान नहीं चलाएगा, ये देश लॉ के अनुसार चलेगा। सुप्रीम कौन होगा इस देश में? द सुप्रीम थिंग वुड बी लॉ। कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम नहीं है हमारे देश में, हमारे देश में सुप्रीम क्या है? लॉ है। और यही रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? जुडिशरी के पास। जुडिशरी को ये इंश्योर करना है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर ना बन जाए, क्योंकि सबसे ताकतवर एक देश में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक देश में क्या होना चाहिए? लॉ। तो हमें क्या समझ में आया? रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। सबसे पहली बात, द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। मैंने आपको कहा, जुडिशरी के कामकाज में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ना तो लेजिस्लेचर ये रुकावट पैदा करेगा, ना ही एग्जीक्यूटिव ये रुकावट पैदा करेगा। इस तरह से काम होना चाहिए कि जुडिशरी जस्टिस दे सके बिना डरे। देन जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं, वो जुडिशरी के डिसीजंस में इंटरफेयर ना करें। एंड एट द एंड ऑफ इट, जजेस शुड बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, क्या इसका मतलब ये है कि जुडिशरी आर्बिट्रली कुछ भी कर सकती है क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है? क्या इसका मतलब ये है कि जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है, इज देयर समथिंग कॉल्ड एज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? क्या भारत में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, याद करिए, मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था। व्हेन यू आर आंसरेबल, डेफिनेटली जुडिशरी पे भी कई सारे चेक्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे बड़ा चेक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, बिकॉज रिमेंबर, जुडिशरी अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकती,
जुडिशरी को भी किसके दायरे में रहकर फैसले लेने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। दूसरा, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से यह मतलब है कि डेमोक्रेसी जिन आइडियाज को वैल्यू करती है उन आइडियाज को जुडिशरी को भी वैल्यू करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, कहीं ना कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लोगों की तरफ भी है। अब आप पूछेंगे मैम लोगों की तरफ कैसे? हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आरटीआई। जुडिशरी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जुडिशरी ट्रांसपेरेंट हो। आपके पास सारे रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स अवेलेबल्स हैं, आप देख सकते हैं कि जुडिशरी ने किस तरह से काम करा। इसके अलावा ऑफकोर्स जुडिशियल इम्पीचमेंट भी हो सकता है, जजेस का रिमूवल भी हो सकता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा। उसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अल्टीमेटली पार्लियामेंट है क्या? लोकसभा है क्या? इट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड है कि जो मर्जी चाहे करो। जुडिशरी के ऊपर भी चेक्स हैं और ये सब इसीलिए किया गया ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। ओके, अब देखिए लेजिस्लेचर की जहां तक बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा ऑफकोर्स ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी जज बन रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस हो, या तो एज अ लॉयर या फिर उन्हें लॉ बहुत अच्छे से आता हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या हैं, आपकी लॉयल्टी क्या है। द सोल क्राइटेरिया शुड बी क्या आपके पास लॉ से रिलेटेड एक्सपर्टीज है या नहीं। दूसरा बड़ा आस्पेक्ट जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करता है, दैट इज फिक्स्ड टेन्योर। ये बहुत जरूरी है। जजेस का टेन्योर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की मर्जी से डिफाइन नहीं होता। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी उनके पास अपनी पोजीशन तब तक है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। और रिटायरमेंट एज भी बाकायदा है, जैसे हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, 62 फॉर हाई कोर्ट एंड 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिक्योरिटी आपके पास, आपका टेन्योर फिक्स्ड है। तो मैम क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम जजेस को नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं, जजेस का इम्पीचमेंट हो सकता है। पर याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस के इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को बहुत डिफिकल्ट बनाया है। हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर की गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल मेजोरिटी से जजेस को रिमूव कर देंगे। इंडिया में एक जज को इम्पीच करना काफी मुश्किल है। देन ऑफ कोर्स द जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट। देखिए, मैंने आपसे जब आपसे एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर रही थी, लेजिस्लेचर डिस्कस कर रही थी, तब मैंने आपसे कहा था एक बजट बनता है, बाकायदा कहाँ कहाँ खर्चा होगा इसका पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। जहां तक बात है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेस, वो लेजिस्लेचर अप्रूव पर डिपेंड नहीं करता। सो बेसिकली उनकी सैलरी उनको मिलेगी या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि लेजिस्लेचर अप्रूवल देगा या नहीं देगा। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू दैट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर अप्रूवल वहां से आ रहा होता तो सोचिए फिर डिसीजन कहाँ जाते। तो जो भी एक्शन हैं, जो भी डिसीजन हैं जजेस के, दे आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। यानी आप पार्लियामेंट में बैठकर उनको जज नहीं कर सकते कि इस जज ने ये बोला था, राइट? एंड इनफैक्ट जुडिशरी अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी खुद पीनलाइज कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है? जज ने कोई ऑर्डर दिया, आप उन्हें डिसोबे कर रहे हैं, या प्रोसीडिंग्स चल रही है, आप उन लीगल प्रोसीडिंग्स को रोक दे रहे हैं। बेसिकली व्हेन यू आर हर्टिंग द कोर्ट बाय इधर डिसोबेइंग द जज, या तो आप जज को डिसोबे कर रहे हैं या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, इन सब केसेस में आपको पीनलाइज किया जा सकता है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस तरह से जुडिशरी अपनी पोजिशन को बचा कर रखती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पार्लियामेंट में आप बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते कंडक्ट ऑफ जजेस, या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही थी, ये सब आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता इससे रिलेटेड। ये सब क्यों किया गया? देखिए, ये सब इसीलिए किया गया ताकि कोई डर ना रहे जुडिशरी के मन में, वो बिना फियर बिना फेवर के अपने डिसीजंस ले सके। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, अगर उस देश की जुडिशरी सच्ची रही है, अगर उस देश की जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग रही है, आप देखेंगे वो देश बड़े से बड़े संकट से बाहर आ गया है। एंड इफ द जुडिशरी, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, आप खुद सोच लीजिएगा उन देशों के बारे में जहाँ जुडिशरी ने थोड़ी गड़बड़ लेन पकड़ी, वो देश अल्टीमेटली आज
बहुत ही बुरी बुरी कंडीशंस में है, कुछ तो हमारे आसपास के ही है। आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड किस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डेफिनेटली जुडिशरी बैकबोन है कंट्री की। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन अपॉइंट कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपॉइंटमेंट जहाँ से आ रहा है वहाँ कुछ फियर और फेवर का कॉन्टेक्स्ट है, तो सारी इंडिपेंडेंस हिल सकती है। सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे जजेस की फिलॉसफी क्या है, क्या वो एक्टिव है, असर्टिव है। एक्टिव और असर्टिव जुडिशरी मतलब जो प्रोएक्टिव है, जो इम्पोर्टेंट आगे बढ़ के डिसीजंस ले रही है, खुद से बातें बोल रही है। कमिटेड जुडिशरी मतलब जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की तरफ टिल्टेड है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेवर में डिसीजन दे रही है। तो डेफिनेटली कितना भी आप इम्पार्शियलिटी रिमूव करने की कोशिश करें, हर एक जुडिशरी का एक नेचर होता है, एंड ओवर टाइम ये नेचर बदलता है, ऊपर नीचे होता है। यू वुड सी एज टाइम एंड सर्कमस्टांसेस चेंजेस। अभी बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो एक कन्वेंशन रहा है देखिए भारत में, कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, हुएवर इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट किया जाएगा एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कभी ये ट्रेडिशन ब्रेक हुआ है? हाँ जी, दो बार ये ट्रेडिशन ब्रेक हुआ है। एक बार 1973 में एएन रे को सीजेआई बनाया गया था, जबकि उनसे दो और सीनियर जजेस प्रेजेंट थे। ऐसे ही 1975 में जस्टिस एमएच बेक को अपॉइंट किया गया था, जबकि सीनियर कौन थे? जस्टिस एचआर खन्ना। तो एक्चुअली ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशंस कभी कभी ब्रेक कर दिए जाते हैं, बट बाय कन्वेंशन हूएवर इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है मैम, सीजेआई ऐसे आ गए। अब हमें बताओ कि बाकी जजेस कैसे आएंगे, हाई कोर्ट के जजेस कैसे आएंगे। ध्यान से सुनना, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। बट प्लीज टेक अ नोट, ये अपॉइंटमेंट होता है आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इनिशियल प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आपके हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और कैसे अपॉइंट करेंगे? आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। हम बार बार इस बात को डिस्कस कर कर आए हैं कि प्रेसिडेंट जो भी करते हैं वो किसकी एड एंड एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड उनकी काउंसिल। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल, फिर इसका मतलब ये है कि रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल। क्योंकि अपॉइंटमेंट भले प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, पर वो किनसे पूछ के किया जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब यही सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन गई कि ये जो आप कह रहे हैं कि सीजीआई से कंसल्ट करेंगे, तो सीजीआई से क्या सीजीआई का कंसल्टेशन फाइनल होगा? यानी जो सीजीआई बोल देंगे वही होगा, या फिर वो सिर्फ एक कंसल्टेशन है, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे? तो देखिए, इनिशियली कोर्ट ने ये बोला था कि सीजीआई का रोल प्योरली कंसल्टेटिव है, राइट? बट देन उन्होंने इस ओपिनियन को बदला और ये बोला कि जो भी ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे, प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ेगा। फाइनली इसमें एक बदलाव और आया, और 100% जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये था कि अब से ये फॉलो किया जाएगा दैट प्रेसिडेंट विल कंसल्ट द सीजीआई, बट सीजीआई ये रिकमेंडेशन अकेले नहीं देंगे। सीजीआई अपने सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, और कंसल्टेशन के बाद नाम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को। देखिए, कंसल्टेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है, इन द सेंस हमें नहीं पता चलता कि किस बेसिस पे सेलेक्ट किया गया, दिस इज फॉर श्योर कि जो नाम फॉरवर्ड होते हैं मोस्टली वही नाम अपॉइंट किए जाते हैं एज जजेस। आपको पता है 2013 में एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें पार्लियामेंट गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक अपॉइंटमेंट कमीशन हो, जिसमें बाकायदा यू नो सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बैठे, सीजीआई बैठे, और ये अपॉइंट करें जजेस। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना रोल बढ़ाना चाह रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में।
बट जुडिशरी बींग जुडिशरी, जुडिशरी ने इसको स्क्रैप कर दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. जुडिशरी ने बोला ये तो आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खराब कर रहे हो, हम इसको पास नहीं होने देंगे. तो एट द मोमेंट क्या होता है, जो भी सीजीआई हैं वो अपने सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठते हैं, नाम जो है पैनल ऑफ नेम्स पे डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन के बाद वो नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है और प्रेसिडेंट फिर उन्हें अपॉइंट करते हैं एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. आई होप आपको ये बात समझ में आई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस. ये तो हो गया अपॉइंटमेंट, हम रिमूव करना है तो कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोसेस बिल्कुल भी ईजी नहीं है. इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसीजर, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसीजर. तो अब जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, सबसे पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे इनका रिमूवल होगा, ऑन वॉट ग्राउंड. सबसे पहले तो ये बताइए, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन बनता है. यहाँ से दो आपसे ग्राउंड बताए गए हैं, एक प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर आप ये प्रूव कर दो कि कोई मिसबिहेवियर है, और इनकपैसिटी. दो ही ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यहां से सवाल बनता है. प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये आप प्रूव करेंगे, ओनली देन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड. अब देखिए प्रोसीजर क्या है, एक मोशन आपको लेकर आना पड़ेगा, राइट, और दोनों हाउसेस से वो पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी. अब स्पेशल मेजोरिटी भी ऐसी वैसी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा. स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 से ज्यादा ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं और उनमें से जितने वोट कर रहे हैं, उससे 2/3 से ज्यादा येस में होने चाहिए. और ये काफी नहीं है, प्लस यू ऑल्सो नीड 50% ऑफ द टोटल. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है प्रेजेंट वाले तो वोट कर दे फेवर में, लेकिन सारे आए ही ना, और ऐसा हुआ भी है. सो यू नॉट ओनली नीड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यू ऑल्सो नीड 50, मोर देन 50% ऑफ द टोटल. दैट्स वाई ये रिमूवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये आसान नहीं करना. इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में सिर्फ एक बार ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, इन द सेंस ये आगे बढ़ी थी, वो भी पास नहीं हो पाई थी, क्योंकि 2/3 तो मिल गया था लेकिन 50% ऑफ द टोटल नहीं मिला था. तो एक्चुअली द जस्टिस वी रामास्वामी केस था ये, जो कि चीफ जस्टिस थे हरियाणा और पंजाब के, और इनपे अक्यूज्ड इस बात के थे कि इन्होंने फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया है. बट अगेन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग सक्सेसफुल नहीं रही और 50% ऑफ द टोटल नहीं मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया था वोटिंग से. तो वो जो टोटल 1/2 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए चाहिए, प्लस 50% ऑफ द टोटल भी चाहिए. तो दोनों कंडीशंस चाहिए थी, ये तो पूरी हो गई पर ये पूरी नहीं हो पाई. इसीलिए प्लीज रिमेम्बर कि ये रिमूवल नहीं हो पाया. इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसीजर होगा, आज तक कभी भी नहीं हो पाया है. अब बात करते हैं इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है. तो देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. दूसरी बात याद रखिएगा कि इंडियन जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इसका क्या मतलब है, तो आपने सुना होगा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है. प्लीज रिमेम्बर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही सिस्टम का पार्ट है. कुछ देशों में क्या होता है, स्टेट के कोर्ट्स अलग काम करते हैं और सेंटर के कोर्ट्स अलग काम करते हैं, फेडरल कोर्ट्स अलग काम करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते. बट हमारे यहाँ जुडिशियल स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. किस तरह से देखते हैं, आप इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं. तो यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, द लोअर कोर्ट्स, देन यू हैव हाई कोर्ट्स, और अपेक्स में सबसे ऊपर आपके पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है. हमारे स्टेट कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है, इसे आप एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं, जहां लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट. और इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट किस पे नजर रखती है, हाई कोर्ट पे. नजर रखने से मेरा मतलब है इट वर्क्स अंडर इट्स गाइडेंस. देन हाई कोर्ट किसकी गाइड, किसको गाइड करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, और इन दोनों को कौन गाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट. सो देर इज एन इंटीग्रेशन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं दैट इंडिया हैज अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ये बात याद रखिएगा. नाउ वेरी ब्यूटिफुली इस डायग्राम में कुछ फंक्शंस बताए गए हैं.
आगे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फंक्शंस को डिटेल में बताया गया है, तो हम उसे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, ये बात याद रखिएगा। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, हर तरीके के कोर्ट पर इनके फैसले लागू होंगे, बिकॉज रिमेंबर इट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ आर कंट्री। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है। अगर कोई केस ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है तो वो बोल सकती है कि हम इससे डील करेंगे। इट कैन इवन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनादर, कि नहीं ये इस हाई कोर्ट में नहीं इस हाई कोर्ट में होगा। इवन दैट कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करूं तो जो अपील आ रही है लोअर कोर्ट से वो हाई कोर्ट के पास आ सकती है। यस, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उनको रिस्टोर करने के लिए रिट्स पास कर सकती है। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट रिट्स, मैंने आपको एक एक रिट पढ़ाई थी, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, को वॉरंटो, जाकर एक बार उसको रिवाइज करिएगा अगर आपको याद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास आर्टिकल 32 है जिसका इस्तेमाल कर कर रिट्स इशू कर सकती है, एंड हाई कोर्ट के पास 226 है जिसका इस्तेमाल कर वो रिट्स इशू कर सकती है। जो भी केसेस स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, एंड डेफिनेटली लोअर कोर्ट्स का जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो किसके पास में है? हाई कोर्ट के पास। देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में जो केस आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। अगर उससे लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन था वो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा, और रिमेंबर जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आते हैं। सबॉर्डिनेट केस कोर्ट जो है वो केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर लेती है। तो यू कैन सी हाउ दे आर कनेक्टेड, सबॉर्डिनेट कोर्ट कनेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कनेक्टेड टू हाई कोर्ट, बट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट से भी कनेक्टेड है, देन डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट से भी कनेक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट से भी कनेक्टेड है, देन हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कनेक्टेड है, यानी देर इज अ चेन ऑफ कनेक्शन। इसीलिए मैंने आपसे कहा हमारी जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सेपरेट सेपरेट काम नहीं करती, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या काम है, व्हाट इज द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा रखी है, यानी सुप्रीम कोर्ट वही कर सकती है जो कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस होंगे, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या उसके पावर्स होंगे, ये सब हमें क्या देख कर पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताया गया है, एंड हम इसे तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। वन इज ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन एंड एडवाइसरी ज्यूरिस्डिक्शन। एक एक को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब वो इश्यूज, वो केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील कर सकता है और कोई कोर्ट नहीं डील कर सकता। ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ऐसे केसेस जो अपील के थ्रू आए हैं, लोअर कोर्ट से गए फिर हाई कोर्ट के पास आए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आए, या फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास आए, यानी अपील के थ्रू आए, उसको हम बोलेंगे एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन। एडवाइजरी मतलब जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे एडवाइस दी जाती है, तब उसको बोलेंगे एडवाइजरी फंक्शन। देन रिट, मैंने आपसे कहा था इशूइंग ऑफ रिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये सारी रिट्स पढ़ी है। कब यूज होती है ये, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुपर पावर है विच इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटिशन। बेसिकली अगर कोई ऐसा केस है जो लोअर कोर्ट में था, हाई कोर्ट में था, या इंडिया के किसी भी कोर्ट में था, आप एक अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि काइंडली कंसिडर आर केस, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऐसे जजमेंट को जो कहीं से भी आया हो, किसी भी कोर्ट से आया हो भारत के, उसको कंसिडर कर सकता है, उसको एक स्पेशल लीव पिटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ा पावर है और ऑफन ऐसा समझ लीजिए कि एक लास्ट रिसोर्ट की तरह से यूज किया जाता है। दिस इज द स्पेशल पावर और सुपर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑसम। अब एक एक जो है हम लोग सारे ज्यूरिस्डिक्शन को समझते चलेंगे। सबसे
सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन की। जैसा कि मैंने आपको कहा, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है वो केसेस जो सिर्फ और सिर्फ कौन कंसिडर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए आप किसी और लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते। और इसमें सबसे बड़ा है केसेस विचार ऑफ फेडरल डिस्प्यूट्स, यानी कि दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, दो स्टेट्स एक तरफ, सेंटर एक तरफ, स्टेट और सेंटर एक तरफ। इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करते हैं या स्टेट स्टेट रिलेशन से डील करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये याद रखिएगा, एक फेडरल कंट्री में ऐसे डिस्प्यूट्स आएंगे, हम पढ़कर आए हैं। अगर ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो इसका जो कंप्लीट पावर है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड इट इज द ओनली बॉडी जो ऐसे केसेस से डील कर सकती है। ऑल्सो, अगर इस बात को लेकर कहीं डाउट है कि एक्स वाई जेड पावर किसका है, सेंटर का है या स्टेट का है, तो इस डाउट को भी सॉल्व करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बात लिखी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सेंटर के पावर के अंडर आएगी या स्टेट के पावर के अंडर आएगी, तो देन यू कैन गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन इस केस में फाइनल माना जाएगा। यानी कि जो भी फेडरल मैटर्स हैं उससे रिलेटेड सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का पार्ट है। आई होप आप ये बात समझ गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिट ज्यूरिस्डिक्शन। ये भी हमने डिस्कस किया था, वापस डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखती है तो उसे रिस्टोर करने के लिए रिट्स इशू कर सकती है। रिट्स कौन कौन सी होती है मैंने आपको पढ़ाया है, मैंडमस, सर्टियोररी, को वारंटो, ये सारी रिट्स का इस्तेमाल कर सकती है। बाय द वे, ये रिट्स हाईकोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है 226 के तहत। बट ये आपके पास राइट है कि आप चाहें तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स फंडामेंटल राइट सो स्पेशल। बाकी राइट्स का वायलेशन है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लोअर कोर्ट, देन यू विल हैव टू गो टू हाई कोर्ट, देन यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप चाहें तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू कर ऑर्डर देगा कि आपको ऐसा करना है या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो रिट ज्यूरिस्डिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन की। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। थक हार के जो लास्ट आपके पास कोर्ट बचता है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया और आप उससे सहमत नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अगर कोई लोअर कोर्ट है और उसने किसी क्रिमिनल केस में एक इंसान को डेथ पेनल्टी दी है तो भी आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हाई कोर्ट से कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो हाई कोर्ट उसको सर्टिफाई करना चाहिए दैट यस दिस केस इज फिट फॉर अपील। बट लेट्स इमेजिन हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई नहीं करता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है उस केस को लेने का? यानी कि अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऐसा केस नहीं ले सकता? भैया नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऐसी भी अपील ले सकती है, इवन द अपील विच इज नॉट अलाउड बाय हाई कोर्ट। तो रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। तो एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन का सिंपल मतलब क्या है, जब लोअर कोर्ट से अपील हायर कोर्ट के पास आती है, अब कोर्ट ये देखेगा कि जो जजमेंट आया हाई कोर्ट से, क्या उसके एक्सप्लेनेशन से हम खुश हैं, क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग था इस पर्टिकुलर केस में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं, यहाँ कुछ गलती हुई है, तो वो उस जजमेंट को स्क्रैप कर नया जजमेंट दे सकती है, और इनफैक्ट एक नया इंटरप्रिटेशन भी दे सकती है उस पर्टिकुलर प्रोविजन को। तो सुप्रीम कोर्ट विल हैव द फाइनल वर्ड, ये बात याद रखिएगा। क्या हाई कोर्ट के पास भी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है? बिल्कुल होता है। लोअर कोर्ट्स के फैसले पर अपील लेने का राइट किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। तो इवन हाई कोर्ट हैज एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं एडवाइसरी ज्यूरिस्डिक्शन की। एडवाइसरी का मतलब क्या है? एडवाइस देना। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहें तो वो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन एनी मैटर विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, ऑन एनी मैटर जिसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तो उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे इस पे सलाह दीजिए।
एक बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे और चाहे तो एडवाइस ना दे, एडवाइस देने की उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट माइट वॉन्ट टू गिव द एडवाइस, माइट नॉट वॉन्ट टू गिव द एडवाइस। सिमिलरली प्रेजिडेंट चाहे तो एडवाइस माने, चाहे तो एडवाइस ना माने, यानी ना तो एडवाइस लेना जरूरी है, कंपल्सरी है, एक्सेप्ट करना कंपल्सरी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को देना कंपल्सरी है। किसी पे भी एडवाइस बाउंडेशन नहीं है कि आपको या तो माननी पड़ेगी या देनी ही पड़ेगी। तो अब आप कहेंगे फिर इसका मतलब क्या है मैम? बहुत बड़ा मतलब है। इमेजिन कीजिए कोई लॉ गवर्नमेंट लाना चाह रही है और गवर्नमेंट को ये लगता है कि यार हम इसको पास कर देंगे, उसके बाद हो सकता है जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, जुडिशरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दे। तो पहले ही आप उस पर्टिकुलर मैटर पे इतना प्रोसीडिंग करने से पहले एडवाइस मांग लें अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कमी है और अकॉर्डिंगली आप उस प्रोविजन को बदल सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो यू विल सेव दैट टाइम। तो डेफिनेटली फायदा तो है, सबसे पहले आपको उस पर प्रॉब्लम पता चल जाएगी और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने लॉ को मोल्ड कर सकते हैं बिफोर गेटिंग इट पास्ट। तो याद रखिएगा दिस इज द एडवाइसरी ज्यूरिस्डिक्शन। एक बात और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ये उसे मिलता है आर्टिकल 137 से। तो दिस मीन्स लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया एंड इट वॉन्ट्स टू रिव्यू इट एंड चेंज इट, इट कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि वो अपने जजमेंट्स को चेंज नहीं कर सकती। सिमिलरली आर्टिकल 144 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक कोर्ट जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इट इज बाउंड बाय द ऑर्डर्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो अगर उसने बोल दिया तो आपको वो मानना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं टाल सकते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि जो हमारी जुडिशरी है वो काफी यूनिफाइड है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स पे और उसको आप कहीं, इट इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के लिए ऑर्डर निकाल सकती है, केरला के लिए भी निकाल सकती है, तमिलनाडु के लिए भी निकाल सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट खुद के ही डिसीजन से भी बंधी हुई नहीं है, वो चाहे तो अपने डिसीजन को भी बदल सकती है, रिव्यू कर सकती है। एंड बिसाइड्स ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी तो पावर है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो कोर्ट उनको पनिश कर सकती है। मैंने आपको बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूजुअली इज जब आप जजेस की बात नहीं मान रहे या उनकी प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आप एक्टिव से थोड़ा समझिएगा, एक्टिविज्म एक्टिव राइट। अभी तक हम सुनते हैं दैट यू नो जुडिशरी का काम क्या है, जजमेंट देना, सारा कुछ जब हो गया है तो जुडिशरी आएगी और बोलेगी ये गलत हुआ, उसको करेक्ट करेगी या पनिशमेंट्स देगी लोगों को। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द रोल ऑफ द जुडिशरी। बट इंक्रीजिंगली हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं जहां हम एक ऐसी जुडिशरी इमेजिन करते हैं, एक ऐसी जुडिशरी की परिकल्पना करते हैं जो एक्टिव है, जो जस्टिस के लिए रूल्स को बेंड करने को रेडी है, जो फ्लेक्सिबल है और जिसका एंड गोल है जस्टिस। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज नथिंग बट व्हेन जुडिशरी मूव्स आउट ऑफ इट्स कन्वेंशनल वेज, उसके कन्वेंशनल काम करने के तरीके से वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और कुछ चेंजेस लेकर आती है। बेसिकली जुडिशरी बिकम्स मोर पीपल फ्रेंडली, मोर एक्टिव। हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए कुछ समय पहले तक देयर वॉज दिस कॉन्सेप्ट इन जुडिशरी विच वॉज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है द वन हु इज अफेक्टेड। अगर मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट के पास, यानी जिसके साथ गलत हुआ है उसे कोर्ट जाना जरूरी था। इसे बोला जाता था द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, यानी इफ आई एम अग्रीव्ड, इफ आई एम रॉन्ग्ड, मेरे साथ गलत हुआ है, सो आई हैव टू गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर जस्टिस। पर देखिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता है जिसके साथ गलत हुआ हो उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट अप्रोच कर सके, उसके पास उतना टाइम नहीं है या वो उस बैकग्राउंड से नहीं आता
या फिर हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की ना हो, पूरे ग्रुप की हो, तो उस केस में क्या होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL से, जिससे पहली बार इस लोकस स्टैंडाय की रिक्वायरमेंट को हटाया गया और कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ वही इंसान जो अग्रीव्ड है वो आए जरूरी नहीं है, उसके बिहाफ पर कोई और भी केस चला सकता है। दिस वॉज रेवोल्यूशनरी। इसका मतलब सिंपली ये था कि वो इंसान जो वायलेट, जिसके अगेंस्ट वायलेशन हुआ है, उसको कोर्ट जाना जरूरी नहीं है, उसके बिहाफ पर एक पब्लिक स्पिरिटेड इंसान, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी आप लिटिगेशन, नाम ही देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसके बाद में, जिसके बाद सिर्फ वही जो अग्रीव थे वही कोर्ट ना जाए। जब ये रिलैक्सेशन आया तो बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, दे स्टार्टेड यूजिंग द रूट ऑफ PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ लोकस स्टैंडाय याद रखिएगा, कोर्ट ने क्या करा, लोकस स्टैंडाय के रूल को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। तो PIL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म का। क्यों? क्योंकि अब जुडिशरी रिएक्टिव नहीं रही, जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गई। जुडिशरी इवन स्टार्टेड कंसिडरिंग केसेस एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से या फिर पोस्टल कंप्लेन से। तो आप देख रहे हैं किस तरह से स्ट्रिक्ट रूल्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया। इनफैक्ट कोर्ट ने सुओ मोटो जजमेंट्स देना भी शुरू कर दिया। सुओ मोटो का मतलब क्या है? ऑन इट्स ओन, यानी वो मैटर्स भी जुडिशरी उठाने लगी जो उसके पास आए नहीं थे, बट मे बी उनको लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो खुद से उन केसेस को जुडिशरी ने लेना स्टार्ट किया। इट वॉज कॉल्ड सुओ मोटो। नाउ ये सब शुरू कैसे हुआ? तो अराउंड 1979 न्यूज़पेपर्स में कुछ रिपोर्ट आई कि जो अंडर ट्रायल्स हैं बिहार में वो बहुत सालों तक जेल में हैं। अगर उनको सच में सज़ा होती, पनिशमेंट होता, तो भी वो इतने साल जेल में नहीं रहते जितने साल से वो जेल में हैं। तो ये रिपोर्ट से एक एडवोकेट को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट किया। ध्यान से देखिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्या कहती थी कि नहीं नहीं देयर इज लोकस स्टैंडाय, यानी कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो आए, पर वो तो आ ही नहीं सकते, वो तो अंडर ट्रायल्स हैं। तो उनके बिहाफ पे कौन आ रहा है? उनके बिहाफ पे आ रहा है एक एडवोकेट। यानी लोकस स्टैंडाय की रिक्वायरमेंट को क्या किया गया? रिलैक्स किया गया। और यहाँ से एक PIL का सिलसिला तेजी से चालू हुआ। इसको बोलते हैं हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस। ऐसे ही तिहाड़ जेल के इनमेट ने एक पेपर पे स्क्रिबल कर जस्टिस कृष्णा अय्यर को ये लिखकर भेजा कि उनके खिलाफ कैसे फिजिकल टॉर्चर होता है। जज ने, एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा रूल्स को अपने हिसाब से थोड़ा सा बदला और उस पिटिशन को कन्वर्ट, उस स्क्रिबल्ड पेपर को एक पिटिशन में कन्वर्ट कराया। ऑफकोर्स बाद में मना कर दिया गया कि आप लेटर्स के बेसिस पे केस नहीं ले सकते, बट अभी तक ट्रेंड सेट हो गया था ऑफ PIL और इंडियन जुडिशियल सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। आप देखिए किस तरह से इट बिकेम मोर पब्लिक, पीपल फ्रेंडली, इट बिकेम मोर इन द फेवर ऑफ द पीपल। कोर्ट ने इसके बाद PIL का इस्तेमाल कर बहुत सारे राइट्स का स्कोप भी बढ़ाया। अब साफ पानी चाहिए ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है सिर्फ, ये पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। डिसेंट लिविंग होनी चाहिए, ये सबकी प्रॉब्लम है, सबके मतलब इसमें सबका भला है। तो इस तरीके के राइट्स का एक्सपेंशन भी जुडिशरी ने करा। जुडिशरी ने कहा कि जब आप कहते हैं राइट टू लाइफ, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को मार नहीं सकते। इवन गिविंग देम क्लीन एयर इज इम्पॉर्टेंट, अनपोल्यूटेड वाटर इज इम्पॉर्टेंट। आप देख रहे हैं किस तरह से कोर्ट actually started instructing कि legislature और executive को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा है कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अभी तक कोर्ट नहीं जा पा रहे थे, उनके बिहाफ पर अब पब्लिक स्पिरिटेड citizens, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स जो है केसेस फाइल करने लगे और असल में उनको जस्टिस मिलने लगा जो अभी तक जस्टिस नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली जुडिशियल एक्टिविज्म ने इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर दिया और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करी। यानी अब एग्जीक्यूटिव से सवाल किए गए और एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ा। बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन आए, जैसे कि बोला गया कि अगर आप कैंडिडेट हैं, यू आर फाइटिंग फॉर एन इलेक्शन, तो आपको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि अभी आपके असेट्स क्या हैं, आपको इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि लोगों के पास ट्रांसपेरेंटली लोगों को पता हो
कि वो किन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं। बाकायदा एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है हर कैंडिडेट को। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जुडिशरी बड़ी प्रोएक्टिव हो गई। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कहीं ना कहीं जुडिशरी स्टार्टेड एंटरिंग द डोमेन्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब इस बात से कई लोगों को प्रॉब्लम हुई, बिकॉज मेनी पीपल सेड कि इससे तो जो बाउंड्री है जुडिशरी और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच तो धीरे धीरे ब्लर हो जाएगी, बिकॉज जुडिशरी इज एक्चुअली टेलिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कि आपको क्या करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पीआईएल से जो आया वो था ओवरबर्डन कोर्ट्स। ऑलरेडी हमारी कोर्ट्स बहुत ओवरबर्डन है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उसके ऊपर से जब पीआईएल फाइल करना इतना आसान हो गया तो झड़ी लग गई पीआईएल्स की, एंड डेफिनेटली इट्स अ बिग बर्डन। बट देन अगेन हमको पूछना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। इफ बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट देन इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। आपको क्या लगता है आप बताइएगा मुझे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई वो ये थी कि ये जो डेलिकेट बैलेंस हमारे, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपने देखा होगा कैसे अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल है जुडिशरी के केस में, और रिमूवल में या इम्पीचमेंट में लेजिस्लेचर का रोल है। तो एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग बैलेंस बनाने की कोशिश की गई बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इस जुडिशियल एक्टिविज्म से कहीं ना कहीं इस बैलेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एंड हमें देखना होगा कहीं ये जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवर रीच में कन्वर्ट ना हो जाए। जुडिशरी शुड नॉट ओवर रीच इट्स पावर। तो जब तक जुडिशियल एक्टिविज्म है तब तक ठीक है, बट इट शुड नॉट कन्वर्ट इंटू जुडिशियल ओवर रीच, ये टर्म भी याद रखेगा। और उसके लिए जुडिशरी को क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जुडिशियल रेस्ट्रेन। लुक एट दिस, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, एंड टू बैलेंस इट आउट यू हैव टू प्रैक्टिस रेस्ट्रेन। बाय द वे हमारे चैनल पर मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच। आई वुड रिक्वेस्ट यू, छोटे से वीडियोज हैं आप उनको देखिएगा तो आपको इन कॉन्सेप्ट पर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फाइनली जुडिशरी एंड राइट्स, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और कोर्ट का, जुडिशरी का ये कह लीजिए दायित्व है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और उनको प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है इश्यूइंग ऑफ रिट्स। मैंने डिस्कस किया आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जुडिशरी के पास जिसको कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बाय द वे मैंने जुडिशियल रिव्यू पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे जरूर देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो देखिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी और एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दी गई है, लेकिन उनको ये भी कहा गया है कि लॉ बनाते और लॉ इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना है, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को वायलेट नहीं कर सकते। अगर कभी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपने काम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं मानते, तो ऐसे लॉज और ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन को जुडिशरी रिव्यू करेगा। रिव्यू मतलब फिर से देखेगा। और अगर जुडिशरी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है इस प्रोसेस में, तो ऐसे लॉज को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉन ऑपरेशनल मतलब ये नल एंड वॉयड है, ये एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो द इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरफ तो वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाता है ऑब्वियसली, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी भी किसके पास है, हमारी कोर्ट के पास। और इसी को कहा जाता है सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ये देखना कि क्या लिए गए फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से हैं या नहीं है। बाय द वे ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। क्या पावर है, यू कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ। एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, क्या सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है,
अगर कहीं भी इनकंसिस्टेंसी लगती है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनएप्लीकेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट प्लीज नोट, ये जो टर्म जुडिशियल रिव्यू है ये कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं मिलता है। इट इज नॉट व्हाट कैन यू से एक्सप्लिसिटली रिटन, यानी एज इट इज जुडिशियल रिव्यू टर्म आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। बट क्योंकि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो, तो इन दोनों को अगर मिला दे तो मतलब तो यही निकलता है दैट जुडिशरी कैन रिव्यू द डिसीजंस टेकन बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। सो रिमेंबर, एक्सप्लिसिटली कहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ, लेकिन इम्प्लिसिटली कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। एक और बात कर लेते हैं, हम सबको पता है हमारे पास तीन लिस्ट है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन यू हैव योर कंकरेंट लिस्ट एंड यू ऑल्सो हैव सम रेजिड्यूरी पावर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉ बनाती है जिससे स्टेट सब्जेक्ट के हैं या स्टेट को लगता है कि ये हमारे सब्जेक्ट में आना चाहिए था लेकिन सेंटर ने इस पर लॉ बना लिया, तो स्टेट क्या करेगा? मैंने आपको बताया था ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट कैन गो सॉरी स्टेट्स कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से कि सेंटर ने अपने पावर को ओवररीच किया है और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगता है तो वो ऐसे लॉज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बेसिकली कौन से ग्राउंड हैं जिस पर आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं? सबसे पहले, इफ़ यू थिंक फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन वायलेटेड, अगर फेडरल प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, यानी सेंटर ने स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना लिया, इन सब केसेस में दीज पर्टिकुलर लॉज कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाय द वे, जुडिशियल रिव्यू स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अप्लाई होता है, यानी अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ पास किया है तो उसे भी जुडिशियल रिव्यू के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पहले तो याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, सेंटर पे भी अप्लाई होता है और स्टेट पे भी अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हमारे ऊपर सवाल बनता है, जुडिशरी इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी करना है और हमारे राइट्स को भी बचाना है। फाइनली टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जुडिशरी और पार्लियामेंट, इनके बीच का रिश्ता कैसा है? मैंने अभी आपको बताया था ऐसा बहुत बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जस्टिस देने के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डायरेक्शन भी दिया है, यानी प्रोएक्टिव रोल भी प्ले करा है। सीबीआई को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप इस पर्टिकुलर केस में इस तरह से करिए। इस तरह के कई इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जब सुप्रीम कोर्ट हैज इवन पास्ड ऑर्डर टू द लेजिस्लेचर कि आप डीजल व्हीकल्स को बैन करिए। तो सजेस्टिव डिसीजंस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने लगे एंड ऑल दिस इज पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। बट अगेन, जैसा कि मैंने आपको कहा, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं और तीनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज डोमेन है। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना, और ऑफ कोर्स जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और डिस्प्यूट्स को सेटल करना। तो डेफिनेटली चेक्स बहुत जरूरी है बट उसके साथ साथ बैलेंस भी जरूरी है। ऐसा ही एक खींचतान आप कह सकते हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में देखने को मिला था जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद पार्लियामेंट ये चाहती थी कि वो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे और जमींदारी सिस्टम को खत्म करे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए आपको राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा जो कि इस समय पर एक फंडामेंटल राइट था। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगा बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट है, जब तक ये नहीं हटाते हम जमींदारी सिस्टम को नहीं हटा सकते, लैंड रिफॉर्म्स हम लेकर नहीं आ सकते। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते, फंडामेंटल राइट्स तो सैक्रोसेंट है, सेक्रेड है, यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब ये डिस्प्यूट चलता रहा, उसके बाद पार्लियामेंट ने कई सारे बदलाव किए कि नहीं, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। इस टसल को मैंने आपको पहले भी समझाया है पर देखिए कंक्लूजन इसका निकला एक बहुत ही फेमस केस में जिसका नाम है केशव नंद भारती केस।
1973, जिसमें एक सिंपल बात कही गई कि देखिए पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है दैट इट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. उसमें फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड हैं. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा करते वक्त यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. सबने पूछा ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वो गाइडिंग वैल्यूज, वो बेसिक प्रोविजंस जो भारत को डिफाइन करते हैं. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये निकाल दें तो उसकी नींव हिल जाएगी. अब ऑब्वियसली बड़ा ही सब्जेक्टिव सा आंसर था, तो लोगों ने पूछा कि फिर बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा क्या. तो कोर्ट ने बड़े इंटेलिजेंटली ये कहा हम डिसाइड करेंगे व्हाट मैटर्स आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट मैटर्स आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो ऑब्वियसली एक लिस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं, पर कल को कोर्ट किसी और इशू को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान सकती है. इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए आप इस फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, यस. क्या प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है, यस. एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखिएगा, यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर को आपको वायलेट नहीं करना है, फिर आप चाहे जो भी पार्ट अमेंड करें. तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सो आई होप दैट इज क्लियर. टुवर्ड्स द लास्ट लेग एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट अबाउट सर्टेन मोर इश्यूज जो अभी भी ग्रे एरिया में है. अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसपे हमें डेफिनेट आंसर नहीं मिला है बिटवीन द बैलेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये बोला गया है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल करेगा, इसीलिए हमारे पास एक प्रोसीडिंग ऑफिसर भी है, वी हैव स्पीकर, हैव चेयरमैन. तो अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो लेजिस्लेचर खुद ही अपने लेजिस्लेटिव जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पनिश करेगा. अब सपोज करिए मैंने आपसे डिस्कस करा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहा है कोई लेजिस्लेटिव मेंबर और उसे पनिशमेंट दिया गया है और उसे लगता है कि ये पनिशमेंट सही नहीं है, इस केस में क्या वो कोर्ट के पास जा सकते हैं? कैन दे अप्रोच कोर्ट? इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. क्या उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगी? इस तरीके के कई सारे अनरिजॉल्व मैटर्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. पर शायद यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी भी है कि प्रॉब्लम्स हैं पर उनका सोल्यूशन भी ओवर द कोर्स हम लोग निकाल ही लेते हैं थ्रू दिस वेरी इंटीग्रेट ब्यूटिफुली डिजाइन सिस्टम. आप केशवानंद भारती केस को देख लीजिए, इट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ जुडिशरी हैज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, पर कई बार किया गया है. तो अगर किया गया तो इस केस में क्या होगा? सिमिलरली जुडिशरी भी लेजिस्लेचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, बट जुडिशरी ने कई बार ऐसी बातें बोली हैं जहाँ इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म था टूवर्ड्स द स्टेट. तो ये जो डेलिकेट बैलेंसेज हैं इनको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है. जुडिशियल एक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू जुडिशियल ओवररीच. तो आई होप ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको समझ में आया. साथ साथ कवर करते जाइए. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर.